सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस एम अवंत का एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रैक्टिस पेपर के सीरीज को और आज हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडल पेपर एट ठीक यानी हमने ऑलरेडी सात मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया है अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं ये बहुत ही हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के मॉडल पेपर के सीरीज को अगर क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 50 आएंगे जिसमें से हमें 40 सॉल्व करने हैं अगेन एंड अगेन हर लेक्चर में हम आपको ये बताते जा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा तो पहले ही क्वेश्चन हमें असहजन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन हमें मिला है और हम सब जान रहे हैं कि अगर आपने पिछले पेपर्स देखे होंगे पिछले मॉडल पेपर्स तो आप देखे होगे कि स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत ही आपसे पूछे जा रहे हैं तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप इसको प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा हैबिचुअल हो जाए इस तरीके के क्वेश्चन से तो अगर हम देखें असर्शन क्या गिवेन है हमें तो नशन है कि इन्वेंट्रीज इन्वेंट्री इज अक्यूमुलेट वेन प्लान इन्वेस्टमेंट इज मोर दैन द प्लान सेविंग यानी पहला स्टेटमेंट हमें दिया है कि इन्वेंट्री हम एक्यूमुलेट तब कर पाएंगे जब मेरा प्लान इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो किससे प्लान सेविंग से तो ये देखो ये पहला जो असर्शन है ना वही हमारा गलत हो गया है क्यों क्योंकि अगर हम बात करें तो जब इन्वेंट्री जो हमारा इन्वेंट्री होता है हम उसको एक्यूमुलेट तभी कर पाएंगे जब हमारा प्लांट इन्वेस्टमेंट यानी जो हमने एक तरीके से आप एक्स एंट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो प्लांट इन्वेस्टमेंट जो है वो लेस हो किससे प्लान सेविंग से किससे प्लांट सेविंग से यानी लोग सेविंग ज्यादा करना चाह रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कम करना चाह रहे हैं ठीक तो ये असर्शन पहले ही हमारा रॉन्ग हो गया अगर रीजन की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन सेविंग देखो ये लेस देन का सिंबल होता है यानी सेविंग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कम है इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड कम है से एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है बिट विच लीड लीड विल टू ऑफ ट्रीज तो देखो ये स्टेट रीजन जो है वो हमारा सही होता है यानी कि हम क्या करेंगे मार्केट में सेविंग ज्यादा कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं यानी सप्लाई ज्यादा हो रहा है लेकिन डिमांड लोग कम कर रहे हैं तो ये इन्वेंट्री अक्यूमुलेशन के को लीड करता है तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक यानी हमारा असर्शन गलत है और हमारा रीजन क्या है ट्रू है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया क्या है पहला स्टेटमेंट तो ब्रेन ड्रेन ब्रेन ड्रेन इज अ कॉज फॉर पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया अगर आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं पढ़ा है तो आप जाके कॉमेशन के ऐप को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो हमने डिटेल में पूरे सिलेबस को डिस्कस कर रखा है वहाँ पे और हमने वहाँ पे पढ़ा भी है जिन्होंने पढ़ रखा है वो लेक्चर्स वेल एंड गुड आपने पढ़ा भी होगा कि ब्रेन रेन एक बहुत ही बड़ा रीजन होता है किसका पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दे रहे हैं अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन कैपिटल क्या होता है यानी अगर अब आप हम आपसे बात करें कि एक ह्यूमन कैपिटल क्या होता है यानी एक इंसान की क्या पूंजी होती है अगर आपसे ये बोला जाए तो जाहिर सी बात है अगर हम बात करें हमारे एक ह्यूमन की पूंजी क्या हो सकती है तो उसका एजुकेशन लेवल क्या है ठीक है उसका स्किल कितना है उसका एक्सपीरियंस कैसा है ठीक है ये सारी चीज़ें क्या बन जाती है कि इंसान की पूंजी एक ह्यूमन कैपिटल बन जाता है जाहिर सी बात है आपके पास एजुकेशन लेवल अच्छा होगा स्किल अच्छा होगा एक्सपीरियंस अच्छा होगा हेल्थ आपका अच्छा रहेगा तो आप एक अच्छा जॉब ले पाओगे जॉब अच्छा रहेगा तो अच्छा जॉब रहेगा तो इनकम भी आपका अच्छा होगा एक स्टैंडर्ड लाइफ आप मेंटेन कर सकते हो ठीक ये सारे चीज़ इंटरलिंक्ड होते हैं अब अगर बात करें ह्यूमन कैपिटल देखो यहाँ पे फॉर्मेशन आ गया यानी हमने देखा ह्यूमन कैपिटल क्या होता है तो फॉर्मेशन अगर हम देखें तो फॉर्मेशन क्या हो गया कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं यानी जो नंबर ऑफ पीपल है जिनके पास एजुकेशन ज्यादा है स्किल है एक्सपीरियंस है उन लोगों का संख्या बढ़ाना ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना फॉर्मेशन करना इकोनॉमी में ही हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं ठीक है थीक? अगर बात करें पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रीजन होता है ब्रेन ड्रेन तो देखो ब्रेन ड्रेन क्या होता है ना एक बहुत ही पॉपुलर आप बोल सकते हो बीमारी है हमारी या मानसिकता बोल सकते हो जो कि क्या है कि आप यहाँ पे रहोगे यानी अगर हम इंडिया की बात करें तो आप इंडिया में रहोगे इंडिया के रिसोर्सेज यूज करोगे इंडिया में एजुकेशन लोगे हेल्थ सब चीज़ें आप इंडिया से करोगे लेकिन जब आप जॉब करने की बात आएगी यानी जब आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करने की बात आएगी हमारे जी में हमारे प्रोडक्शन लेवल में तब आपका ये मानसिकता बन जाता है 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 कि भाई हमारा जो है, हमारा जो जो नॉलेज एक्सपीरियंस उसका यहाँ पे ज्यादा अच्छा पैकेज हमें नहीं मिलेगा इससे अच्छा हम बाहर के देशों में जाए वहां पर हमें सैलरी ज्यादा अच्छा मिल पाएगी ठीक है थीके? तो इसी को हम ब्रेन बोलते हैं तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो द क्वालिटी ऑफ़ ह्यूमन कैपिटल यानी कि ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी ऑल्सो डिक्रीज होती है ड्यू टू हाई पॉपुलेशन ग्रोथ यानी हाई पॉपुलेशन के वजह से जो क्वालिटी है ह्यूमन कैपिटल की वो भी कम होती है जाहिर सी बात है ज़्यादा अगर पॉपुलेशन होगी अब पॉपुलेशन छोड़ो अगर एक घर में ज़्यादा बच्चे हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा अगर नॉर्मल इनकम ग्रुप का कोई मेंबर है या कोई पर्सन है उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि सबको एक स्टैंडर्ड एजुकेशन लेवल प्रोवाइड कर पाए सब चीज़ प्रोवाइड करा पाए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता है तो अगर हम देखें तो स्टेट में इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी हमारे दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं ट्रू हैं ठीक है चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यानी कौन सा कॉलम हमारा पैर क्या है सही है पहला क्या है रिफॉर्म इन इंडिया 1995 में आया था तो गलत हो गया इंडिया में रिफॉर्म 1990 में आया था फिर रिफॉर्म इन पाकिस्तान 1988 में आया था तो ये हमारा सही है रिफॉर्म इन चाइना की बात करें तो ये हमारा आया था 1978 में ठीक अनाउंसमेंट ऑफ फाइव ईयर प्लान इन इंडिया फर्स्ट फाइव ईयर प्लान की अगर बात करें तो कब आया था 1951 में आया था हमारा वहीं अगर चाइना के फर्स्ट फाइव ईयर प्लान की बात करें तो 1953 में आया था और अगर पाकिस्तान की बात करो तो 1956 में आया था ये कुछ डाटाज हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो पाएंगे कंटिन्यूअसली सारे लेक्चर्स में रिवाइज कराते जा रहे हैं ताकि आपको मेमोराइज हो जाए ये डाटा ठीक तो यानी इन तीनों इन चारों कॉलम से हमने देखा कि जो हमारा करेक्ट पेयर है वो क्या है ऑप्शन नंबर टू ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन क्या है पहले असर्शन हमारा तो द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री इज कॉल्ड द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी जो सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का उसको हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं असर्शन तो सही है हम बोलते हैं लेंडर्स ऑफ लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हम हमारे सेंट्रल बैंक को बोलते हैं रीजन की अगर बात करें तो कमर्शियल बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक विद दे नीड इट यानी रीजन क्या है कि जो कमर्शियल बैंक यानी जब कमर्शियल बैंक की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत ही खराब हो जाती है यानी इनसॉल्वेंट होने के कगार पे आ जाता है बंद होने के कगार पे आ जाता है तो उस टाइम पे लास्ट रिजॉर्ट यानी उस टाइम पे जो सेंट्रल बैंक है वो मदद करता है कमर्शियल बैंक को पैसा देने के लिए ठीक पैसा दे के मतलब नहीं अगर सेंट्रल बैंक हेल्प नहीं करेगा तो वो जो बैंक है वो दिवालिया हो जाएगा भाई बंद हो जाएगा तो जो करेक्ट अगर हम देखें तो असर्शन और रीज़न हमारे दोनों करेक्ट है और रीज़न हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव अगेन असर्शन रीज़न क्वेश्चन क्या है हमारा असर्शन तो सीलिंग फैन परचेस बाय अ ओनर बाय द ओनर ऑफ जनरल स्टोर फॉर हिज शॉप इज अ फाइनल गुड यानी जो सीलिंग फैन परचेस करा था जनरल स्टोर का कोई ओनर है उसने अपने शॉप के लिए ठीक है अपने शॉप के लिए सीलिंग फैन खरीदा था तो वो क्या फाइनल गुड्स के कैटेगरी में आएगा तो चाहिए क्यों क्योंकि जाहिर सी बात है उस टाइम देखो उसने रीसेल करने के पर्पज के लिए नहीं खरीदा उसने अपने दुकान में लगाने के लिए खरीदा है वो जनरल स्टोर तो वो एक तरीके से क्या था वो फाइनल गुड्स था जिसने उसको मतलब जिस जो ओनर था उसने खरीद के उसको यूज करा अगर देखें तो क्या है शॉप ओनर इज द फाइनल यूजर ऑफ द सीलिंग फैन क्यों क्योंकि जो शॉप ओनर है वो एक फाइनल यूजर था किसका उस सीलिंग फैन का ना कि उस, ना ही उसके ना, उसके बाद उसने किसी को रीसेल करा या तो फर्दर कुछ प्रोडक्शन वगैरह हुआ तो जो हमारा असर्शन है और रीजन है वो दोनों ही सही है और रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेटमेंट वन एंड टू अगर देखें तो स्टेटमेंट वन क्या है दो चाइना इज़ द लार्जेस्ट नेशन चाइना एक लार्जेस्ट नेशन है और जोग्राफिकली ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया अमंग द थ्री नेशन यानी अगर देखें तो चाइना एक लार्जेस्ट नेशन है उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जोग्राफिकली एरिया की अगर बात करें तो तीनों नेशन में भी सबसे ज्यादा किसके पास है चाइना के पास है स्टिल उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है लोएस्ट है यानी उसकी डेंसिटी क्या है लोएस्ट है अगर बात करें स्टेटमेंट टू तो पॉपुलेशन ग्रोथ इन इज़ द हाईएस्ट इन पाकिस्तान यानी अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो वो हमारा हाईएस्ट है किस में पाकिस्तान में तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है अगर हम डेंसिटी की बात करें तो सबसे कम हमारा चाइना में है उसके बाद हमारा इंडिया में है फिर पाकिस्तान में है और ग्रोथ रेट की भी बात अगर ग्रोथ रेट की भी हम बात करें सॉरी अगर डेंसिटी की बात करें तो सबसे कम चाइना में है उसके बाद पाकिस्तान में फिर इंडिया में और अगर एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे कम चाइना में फिर इंडिया में और फिर पाकिस्तान में है इसका डाटा हम आपको बता दे रहे हैं मे बी आप लोगों के लिए ये, ये यूजफुल हो सकता है तो ये चाइना हो गया ये हमारा इंडिया हो गया ये हमारा पाकिस्तान हो गया ठीक है चलो ये हमारा क्या था एनुअल ग्रोथ रेट हम ले लेते हैं पॉपुलेशन का एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन लिखते रहे ठीक है आप समझ लेना नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर यानी पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर कितने पर्सनस रहते हैं ठीक है ये डेंसिटी हम बताते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर यानी पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया कितना है उसमें कितने लोग कितना पॉपुलेशन रहता है तो इसी को हम डेंसिटी बोलते हैं अगर हम बात करें अगर हम बात करें चाइना के एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की तो कितनी है वन पॉइंट ठीक है आ, अगर हम सॉरी जीरो पॉइंट वेट वेट अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में ये एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है हमारा तो ज़ीरो पॉइंट फोर सिक्स अगर इंडिया की बात करें तो कितना है वन पॉइंट ज़ीरो थ्री और अगर पाकिस्तान की बात करें तो कितना है टू पॉइंट ज़ीरो फाइव ठीक है वहीं अगर हम डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो चाइना में पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग एक लोग रहते हैं ठीक है एक सौ तिरालीस एक ठीक है इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 455 लोग रहते हैं और वहीं अगर चाहे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कितना दो यानी 275 लोग रहते हैं ठीक है तो ये कुछ डाटा है जो आपके मान लो अभी आपसे डेंसिटी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा मे बी एनुअल ग्रोथ रेट से भी पूछ सकता है या आपसे परसेंटेज भी पूछ सकता है कि कितना पर स्क्वायर किलोमीटर में चाइना में कितने लोग रहते हैं या एनुअल ग्रोथ रेट क्या है शन का पाकिस्तान का इंडिया का ठीक तो आप याद कर सकते हो उस डाटा को नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन की अगर हम देखें तो क्या है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है तो द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ क्रेडिट एंड सम ऑफ डेबिट इन द कैपिटल अकाउंट इज बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट इज़ बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट यानी जो सम ऑफ समेडिट होता है और सम ऑफ डेबिट होता है कैपिटल अकाउंट का उसको हम बैलेंस अकाउंट बैलेंस बोलते हैं कैपिटल अकाउंट का तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है दूसरा देखिए स्टेटमेंट यानी द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ क्रेडिट एंड सम ऑफ़ डेबिट इन द करेंट अकाउंट यानी करेंट अकाउंट में जो सम ऑफ क्रेडिट यानी ऐसे हम अकाउंट बनाते हैं इस साइड हमारा डेबिट रहता है इस साइड हमारा क्रेडिट रहता है तो यानी करंट अकाउंट का सम किसका क्रेडिट साइड का और करंट अकाउंट का सम डेबिट साइड का क्या कहलाएगा बैलेंस इन करंट अकाउंट वहीं अगर ये कैपिटल रहता है तो यहाँ कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड और कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड का कहलाता है बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है ट्रू ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर एट क्या है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है स्टेटमेंट हमारा इस साइड दिया गया है क्या है पहला स्टेटमेंट तो देख लेते हैं तो ग्रेटली फॉरवर्ड यानी जी एल एफ कंपेन कम नाइनटीन फिफ्टी एट में चलाया गया था एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन मैसिव स्केल तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है यानी ग्रेटली फॉरवर्ड जो हमारा कैंपेन था जो हमारा नहीं चाइना का जो कैंपेन था वो चलाया गया था नाइनटीन फिफ्टी एट में लॉन्च किया गया था और इसका जो मेन एम था वो क्या था इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना किसको इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना मैसिव स्केल पे ठीक है तो ये इसका एम था तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है दूसरा अगर देखें तो जेलिफ कैंपेन मेट विथ मेनी प्रॉब्लम तो यानी जो ग्रेटली फॉरवर्ड हमारा कैंपेन था उसमें बहुत उसको बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है अगर आपने पढ़ा होगा ग्रेटली फॉरवर्ड को तो आपने एंड में देखा होगा कि इस कैंपेन के बाद ऑलमोस्ट एंड में कितने तीस मिलियन लोग मर जाते हैं यानी तीस मिलियन लोग की डेथ हो जाती है डेथ हो जाती है ड्यू टू ड्रॉट जिसके वजह से सूखा पड़ने के वजह से तीस मिलियन लोग मर जाते हैं चाइना में इस कैंपेन के दौरान ही इसके वजह से इस कैंपेन को क्या करना पड़ता है इस कैंपेन को हटाना पड़ता है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट कैंपेन लॉन्च करते हैं क्या है वो ग्रेट प्रोलेट्रियन कल्चरल रिवोल्यूशन चलो तो अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं ट्रू हैं नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है हमारा यहाँ परसेंटेज नहीं बोला है अगर परसेंटेज रहता तो जो हम हंड्रेड ऊपर भेजते हैं या हंड्रेड डालते हैं हंड्रेड डिवाइड करते हैं वो चीज हम करते हैं लेकिन यहाँ पे तो देखें अगर तो यहाँ पे हमें परसेंटेज नहीं बोला सिंपली एलआरआर लीगल रिजर्व रेशियो हमें बता दें जीरो पॉइंट वन है हमारा अगर बात करें इनिशियल डिपॉजिट तो कितना है सौ करोड़ का इनिशियल डिपॉजिट हमारा सौ करोड़ का है तो हमें बताता है कि क्रेडिट कितना क्रिएट होगा हमारे इकोनॉमी में चलिए अगर हम फिर से आपको बता रहे, रहे हैं इसका फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो लीगल रिजर्व ऑफ रिक्वायरमेंट एल क्या हो जाता है यानी सॉरी क्रेडिट मॉडम सही क्रेडिट क्रिएशन आपका हो जाएगा यानी क्रेडिट क्रिएशन इज हो जाएगा इनिशियल डिपॉजिट इंटू वन बाई एल ठीक है अगर आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है हमारा इनिशियल डिपॉजिट सौ है इनटू वन बाई ज़ीरो कितना है हमारा जीरो पॉइंट वन है परसेंटेज नहीं दिया परसेंटेज रहता है तो हम यहाँ पे हंड्रेड लिखते हैं अब अगर हम देखें तो यहाँ पॉइंट है नीचे हमारा पॉइंट है अगर इस पॉइंट को रिप्लेस करेंगे तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा और नीचे वन बच जाएगा तो वन यानी सिंपली कैंसिल हो जाएगा अगर हम हंड्रेड इंटू टेन कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा वन थाउजेंड करोड़ तो यानी कितना क्रेडिट हम क्रिएट करेंगे एक हजार करोड़ का और जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा क्वेश्चन नंबर टेन जो रीजन बेस्ड क्वेश्चन है क्या है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज बिकम अ कैच फ्रेज टूडे यानी सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो एक कैच फ्रेज बन गया है आज के जनरेशन का रीज़न क्या है तो इट इज़ इंडीड अ पाराडिग्म शिफ्ट इन डेवलपमेंट थिंकिंग यानी रीजन क्या है इसका तो एक इट इज इंडीड अराडिग्म शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा किसमें डेवलपमेंट थिंकिंग में तो ये जो असन और रीजन है ये दोनों ही हमारे ट्रू हैं ठीक है और रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे का। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको नहीं पता तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी वैसा डेवलपमेंट करना ताकि आप प्रेजेंट जनरेशन के नीड्स को तो फुलफिल करो लेकिन साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशन है यानी जो फ्यूचर जनरेशन है हमारे उसके लिए भी हम रिसोर्सेज को सस्टेन करके रख सकें ठीक है अगर आज के टुडे आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट हो गया बहुत ही लोग चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही एक तरीके से देखोगे तो गवर्नमेंट्स भी इसमें बहुत इन्वॉल्व हो रही है रिसोर्सेज को सस्टेन करने के लिए और अगर रीजन बात करें तो इसका जो एक शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा किसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो हमारा जो डेवलपमेंट थिंकिंग है उसमें एक चेंज हमें देखने को मिलेगा यानी हम रिसोर्सेज को वेस्ट करके ना यूज करें बल्कि कंज्यूम करके एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें हम रिसोर्सेज का ताकि हम उसको सस्टेन करके भी रख सके फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 हमारा अगेन असेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है क्या है असेशन तो करंट अकाउंट रिकॉर्ड रिकॉर्ड प्रॉफिट रिसीव इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड अब्रॉड यानी करंट अकाउंट जो होता है वो रिकॉर्ड करता है जो भी प्रॉफिट रिसीव हुआ रहता है उसे अब्रॉड से इन्वेस्टमेंट के फॉर्म से तो अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है नेक्स्ट अगर देखें तो इट इज रिकॉर्डेड इन द करेंट अकाउंट बिकॉज ये करंट अकाउंट में क्यों हम रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि इसका कोई भी इम्पेक्ट हमें फॉरेन एक्सचेंज का एसेट्स ना ही फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज पे पड़ता है इसलिए हम इसको करेंट अकाउंट में लिखते हैं तो रीजन भी हमारा सही है वही अगर किसी भी चीज का कोई भी एक्सचेंज का हमें या तो लाइबिलिटी या तो एसेट पे कोई इफेक्ट डालेगा तो हम उसको कहाँ पे डालते हैं कैपिटल अकाउंट उंट में डालते हैं तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अगर देखें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है तो अगर देखें पहला स्टेटमेंट क्या है तो एन एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप यानी एक एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के यानी एग्रीगेट सप्लाई के क्या शो करता है इन्फ्लेशनरी गैप शो करता है तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है और हमने देखा भी है क्या यानी हमने ये अज्यूम करके चला था कि ये हमारा एग्रीगेट डिमांड रहेगा ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई या इनकम और यहाँ पे फुल इम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनोमी को अचीव होगा लेकिन जो एक्चुअल डिमांड अराइज़ हुआ यानी जो एक्चुअल डिमांड अराइज़ हुआ वो इतने का हो गया यानी ज़्यादा डिमांड अराइज़ हो गया जिसके वजह से क्या एक गैप अराइज़ होता है और इस गैप को हम क्या बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप इस गैप को हम क्या बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं और इसको हम एक्सेस डिमांड भी बोलते हैं ठीक है दूसरा देखें तो स्टेटमेंट टू डिफ्लेशनरी गैप इज दैट सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस डिफ्लेशनरी गैप कौन सा सिचुएशन होगा जब एग्रीगेट डिमांड कम होगा किससे एग्रीगेट सप्लाई से करिस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इसको भी देख लेते हैं और हमने ऑलरेडी इसको देख भी लिया है यानी ऑलरेडी हमने इसको भी डिस्कस भी कर रखा है स्टिल मैं आपको बता देती हूँ अगर डेफिशिएंट दे, डिमांड की बात करें डिफ्लेशनरी गैप आरइज करता है यानी हमने देखा था कि ये हमारा ए डी है ये हमारा ए एस कर्व है या इनकम आप आ, समझ लो ये हमारा यहाँ पे फुल इम्प्लॉयमेंट लेवल रहता है एक इकोनॉमी एक को लेकिन अगर देखे तो मार्केट में जो एक्चुअल डिमांड हुई ना वो ये अराइज हो गई यानी जो जितना सप्लाई हमने अज्यूम करके चला था कि मार्केट में इतना सप्लाई करेंगे इतना डिमांड आएगा डिमांड लेकिन जो एक्चुअल डिमांड हुआ ना वो क्या हो गया उससे कम अराइज हो गया जिसकी वजह से क्या एक डिफ्लेशनरी गैप अराइज होता है जिसकी वजह से क्या एक डिफ्लेशनरी गैप अराइज होता है और इसी को हम इस गैप को हम क्या कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं तो अगर हम बात करें ऑप्शन की तो करेक्ट जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है पहला स्टेटमेंट क्या है इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड इज अ फ्लो वेरिएबल यानी जो इनकम है हाउस होल्ड का वो क्या है हमारा फ्लो वेरिएबल है तो ये तो सही है जो भी इनकम होता है वो एक फ्लो वेरिएबल होता है क्योंकि क्योंकि हम किसी भी इनकम को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं ठीक है अगर नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट टू तो स्टेटमेंट टू क्या है हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ अ स्टॉक सॉरी कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ अ हाउस होल्ड इज अ स्टॉक वेरिएबल यानी जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा एक हाउस होल्ड का वो क्या है स्टॉक वेरिएबल है तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्यों क्योंकि जो भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसको भी हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं इसलिए ये क्या है हमारा फ्लो वेरिएबल ही होता है तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हमें बताना है कि कौन सा पैर हमारा सही है ठीक है चलिए पहला है क्या कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सेस ऑफ़ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो ये तो पहले ही गलत लग रहा है यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब क्या एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स और ओवर इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं ये गलत हो गया हमारा ठीक है ये हमें क्या दिखता beauty, है सरप्लस ब्यूटी यानी सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड जब रहेगा तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यानी जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ज़्यादा हो ओवर इंपोर्ट ऑफ गुड्स गुड्स है यहाँ पे तो वो हमें सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड बताता है तो ए हमारा गलत हो गया नेक्स्ट देखिए ट्रेड सरप्लस ट्रेड सरप्लस एंड एलिमेंट ऑफ इनविजिबल आइटम ये भी गलत हो गया हमारा ट्रेड सरप्लस यही हमारा होता है नेक्स्ट देखें अगर तो करेंट ट्रांसफ़र टू रेस्ट ऑफ़ द वर्ल्ड यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हमने करेंट ट्रांसफ़र करा रिकॉर्डेड एज अ पॉजिटिव आइटम इन दी बीओपी तो ये क्या बीओपी में एज अ पॉजिटिव आइटम दिखाएगा नहीं क्योंकि आपने ट्रांसफ़र करा तो आपका रिजर्व कम हुआ तो एक नेगेटिव तरीके से दिखाया जाएगा हमारे बीओपी में ये भी हमारा गलत है ठीक है ये डेबिट साइड हम शो करेंगे नेक्स्ट अगर देखें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो ये हमारा सही हो जाएगा यानी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी डी का फोर्थ पेयर सही है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है तो देखो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है ये और इस तरीके का इन्वेस्टमेंट होना है यानी जो फॉरेन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो गए या फॉरनर्स जो हो, हो गए वो इन्वेस्ट करें आपके यानी जो फॉरेन के हैं वो हमारे इंडिया के डोमेस्टिक कंट्री में के शेयर्स में बॉन्ड्स में डिबेंचर्स में इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करें तो उसको हम क्या कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं एक इसका पार्ट अलग होता है मतलब कैपिटल अकाउंट का एक वो होता है क्या फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है एक थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों -दो में एफ डे में और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है क्या है assertion? देख लेते हैं तो इट इज नेसेसरी इट इज नेसेसरी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर रेदर देन इन द इनफॉर्मल सेक्टर यानी असर्शन हमारा ये है कि हमारे लिए ये जरूरी है यानी हमारे लिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल सेक्टर उसमें जॉब क्रिएट करें रैदर देन इनफॉर्मल सेक्टर में तो ये तो हमारा क्या है सही है क्यों क्योंकि जाहिर सी बात है भाई अगर देखो आप अगर आप जॉब करना चाहोगे तो आप जॉब एक ऐसे ही सेक्टर में करना चाहोगे या ऐसे ही इंस्टीट्यूशन में करना चाहोगे जहाँ पे आपको सैलरी अच्छा मिले जहाँ आपका इन्वायमेंट अच्छा हो जहाँ पे आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिले ठीक है ऐसे नहीं कि आज काम करे कल निकाल दिया गया आपको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है फिर एक इन्वायमेंट अच्छा नहीं है ऐसे जगह पे जॉब नहीं करना चाहोगे तो ये जो सारी सिक्योरिटीज़ होते हैं या जो भी बेनिफिट वो फॉर्मल सेक्टर्स में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमारा सही है नेक्स्ट अगर रीजन की बात करें तो इन द इनफॉर्मल सेक्टर लेबर लॉ इनेबल द वर्कर टू प्रोटेक्ट देयर राइट इन वेरियस वे यानी अगर हम देखें तो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लेबर लॉ है वो प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स को उनके राइट के लिए तो ये रीजन ही हमारा गलत है और ना ही रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्यों क्योंकि रीजन ही हमारा गलत हो गया क्योंकि जो फॉर्मल सेक्टर होता है उसमें लेबर लॉ अप्लाई होता है यानी जो लेबर लॉ है वो प्रोटेक्ट करता है जो फॉर्मल सेक्टर्स के वर्कर्स हैं उनके राइट्स को ना कि इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो C, हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी हमारा असाइशन सही है बट रीजन इज फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हमारा क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है देखते हैं क्या है हमारा तो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू जो पॉवर्टी लाइन है हमारे इंडिया का वो क्या है हम उसको डिफाइन करते हैं मॉनेटरी टर्म के वैल्यू में Uh, जो कि क्या है द ऑफ द मिनिमम न्यूट्रिशन कैलोरीज रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ डे तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है और हमने देखा भी है मिनिमम कैलरी रिक्वायरमेंट वाला की अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की तो रूरल एरियाज़ में मिनिमम कैलरी रिक्वायरमेंट चौबीस सौ होना चाहिए और अर्बन एरियाज में कितना इक्कीस सौ का मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट होना चाहिए तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें तो क्या है ईयर yani की जो पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन है तो करेक्ट ऑप्शन हो तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी और क्यों गलत होता है तो वो हम बताते हैं आपको यानी अगर हम बात करें प्री इंडिपेंडेंट एरा का या प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का तो उस समय जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट लाया गया था पॉवर्टी लाइन का वो किसका लाया गया था दादा भाई नरोजी का आपने पढ़ा भी होगा जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला वो टू बाई थ्री वाला करके जो कॉन्सेप्ट होता है दादा भाई नरोजी ने लाया था सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट पॉवर्टी लाइन का और इनके कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग ठीक है ये पहला कॉन्सेप्ट लाया गया था उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा कब लाया गया था नाइनटीन में लाया गया था और क्या था ये तो टास्क फोर्स टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ इस पे प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंज़प्शन डिमांड ठीक नाइनटीन में नाइन में ये कॉन्सेप्ट लाया गया था ओटी लाइन का क्या था टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन किस पे मिनिमम नीड और जो इफेक्टिव कंज़प्शन डिमांड है उस पर लाया गया था उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दो हजार ग्यारह बारह में लाया गया था ग्यारह बारह में लाया गया था ये क्या था मॉनेटरी टर्म हमने जो कंसीडर कर करा था मॉनेटरी टर्म क्या आठ सौ सो सोलह रुपए रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में हजार ठीक है अगर आप आज की बात करो तो आज तो और भी चेंजेस होगा अगर आप चेक गुँग, गुँग करके, बुक्स में तो आपको का नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, ये लिमिट बढ़ा दिया गया है रूरल और अर्बन एरियाज का तो ये कुछ फैक्ट्स थे तो अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अदरवाइज आई विल इरेज इट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है क्या है पहला स्टेटमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री बोथ बाई इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है क्यों क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों तरीके से या प्रोडक्शन हमारे जो कंट्री जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के एक क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है लोगों को स्टेटमेंट टू की अगर बात करें तो इन द लास्ट सिक्स डिगेट्स यानी सिक्स पिछले लास्ट साठ सालों की बात करो सिक्स की बात करो इंडिपेंडेंस की तो इंडिया हैज मेड प्रोग्रेस इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंडिया ने एक एकबल प्रोग्रेस अचीव करा इंफ्रास्ट्रक्चर को मेनटेन करने में या बनाने में नेवर लेट डिस्ट्रीब्यूशन इज अन ईवन लेकिन अगर अभी भी हम बात करें तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो हमें कैसा देखने को मिलेगा एक अनइवन देखने को मिलेगा साहि सी है अगर आप चले जाओ ना अगर आप थोड़े अर्बन एरियाज में या डेवलप्ड एरियाज में चले जाओ तो वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा वहां के रोड ज्यादा अच्छे रहेंगे वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज्यादा रहेंगे हाईवेज रहेंगे आपके हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे अलग अलग स्कूल्स मिल जाएंगे ठीक है ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी लेकिन अगर वहीं आप रूरल एरियाज की बात करो तो वहां पर भी बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर लैक हमें देखने को मिलता है तो एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है हमारे इकोनमी में किसका इंफ्रास्ट्रक्चर का तो जो दोनों दोनों तो स्टेटमेंट है हमारे क्या है ट्रू है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर एटीन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट क्या है तो सैलरीज ऑफ इंडियन सैलरी यानी एक इंडियन की सैलरी जो कहां पे वर्क कर रहा है वर्किंग इन जापान के एम्बेसी में इन इंडिया इन इंडिया इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी सैलरीज़ ऑफ़ वर्किंग इन जापान एम्बेसी यानी एक इंडियन है जो काम करता है कहाँ पे जापान के एम्बेसी में जो कि इंडिया में है वो क्या कहलाएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाएगा ठीक है हाँ तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होता है ट्रू हो जाता है क्यों क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपके नॉर्मल रेसिडेंट ठीक है आपके नॉर्मल रेसिडेंट बाहर के लोगों के लिए कोई फैक्टर दे कोई फैक्टर सर्विस दे के इनकम अन करे तो उनको उसको हम क्या कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें तो सैलरीज ऑफ जापानीज वर्किंग इन इंडिया यानी जो एक जो एक सैलरी है जापानीज एक जापानीज है जो कहाँ पे काम कर रहा है इंडिया में काम कर रहा है लेकिन वो किस में कर आ, किस में कर रहा है एम इन जापान यानी सैलरीज ऑफ जापानीज वर्किंग इन इंडिया एम इन जापान as a factor income to abroad. ये स्टेटमेंट भी हमारे सही होता है क्यों क्योंकि जब आप एक नॉन रेसिडेंट यानी जो आपका एक रेसिडेंट नहीं है जब एक नॉन रेसिडेंट पर्सन रेसिडेंटन आपको सर्विस लेके उसको पेमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा कि अब्रॉड में आप जो फैक्टर इनकम दे रहे हो तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाते हैं ट्रू हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्या है तो ह्यूमन ये ह्यूमन है ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इन कंपेरिजन टू ह्यूमन कैपिटल यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है कंपेरिजन टू ह्यूमन कैपिटल से बहुत बात है, human capital हमने देखा कि क्या क्या होता है हो हो गया गया आपका ये चीज चीज होगा होगा वो अलग हो यानी कैसे लोगों को ज़्यादा ज़्यादा से जादा education, knowledge, skill प्रोवाइड करके डेवलप करे ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी देश का भी ग्रोथ होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है human capital के comparison में. Statement तो तो ये statement भी हमारा सही है क्यों क्योंकि अल्टीमेटली देखो तो ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पार्ट ही होता है क्या हमारा ह्यूमन कैपिटल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हाउ डेली कम्युनिकेशन अफेक्ट द इकोनमी यानी जो टेलीकम्युनिकेशन होता है ना जो हम लोग टेलीफोन वगैरह इकॉम सर्विसेज वगैरह हो गया आपके टेलीग्राफ हो गया ठीक कम्युनिकेशन वाले जित जितने भी मोडस हुए सर्विसेज हुए उसको हम टेली बोलते हैं तो यानी ये एक इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करता है टेली ये प्रोडक्शन कॉस्ट कम करता है ठीक है इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्री ये भी सही है इट अलाउ फॉर्म टू मेक री इन्वेस्टमेंट ये क्या करता है फॉर्म को री इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउ करता है जाहिर सी बात है अगर प्रोडक्शन कॉस्ट आपका कम होगा आप प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे तो प्रॉफिट आपको ज्यादा होगा प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो होगा, तो होगा, तो होगा तो आप क्या कर पाओगे री इन्वेस्टमेंट कर पाओगे तो ये दोनों ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा वो हमारा ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या है हमारा मिस वर्षा एंड इकोनॉमिक्स टीचर एक मिस वर्षा है जो क्या है इकोनॉमिक्स टीचर है वो एक्सप्लेन कर रही है गवर्नमेंट यूजेज द पॉलिसी बिच करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिशेंट डिमांड यानी गवर्नमेंट एक पॉलिसी यूज करती है किस लिए एक्सेस डिमांड और डेफिशेंट डिमांड के सिचुएशन को सही करने के लिए कैसे बाई रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनमी इंटरेस्ट रेट और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को जो है उसको हम इन्फ्लुएंस करके आप बोल सकते हो या उन सारी चीजों को रेगुलेट करके तो वो कौन सा पॉलिसी होगा तो वो हमारा होगा मॉनेटरी पॉलिसी वो क्या होगा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी ठीक है नेक्स्ट अगर देखें तो क्या है रीड द फॉलोइंग असर्जन रीजन हमें बताना है कि हमारा असर्जन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है असैशन क्या है तो पीपल स्पेंड टू अक्वायर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ यानी जो लोग हैं वो खर्चा करते हैं इन्फॉर्मेशन लेने पे किस चीज़ के बारे में लेबर मार्केट के बारे में और दूसरे अदर मार्केट्स के बारे में यानी एजुकेशन और हेल्थ के बारे में तो ये सेशन हमारा सही है अगर एक्सपेंडिचर की बात करें सॉ रीज़न की बात करें तो रीज़न क्या एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर अक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन यानी जो खर्चा करते हैं हम किस पे इंफॉर्मेशन अक्वायर करने के लिए किससे रिलेटेड लेबर मार्केट से एंड अदर मार्केट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो ये भी क्या होता है हमारा एक सोर्स होता है किसका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का तो ये दो ये दोनों ही हमारे सही हैं और रीज़न हमारा करेक्ट एक्सप्लनेशन है हमारे सेशन का अगर आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देखा होगा तो कैसे कि हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं यानी हम एक्सपेंडिचर करें किस पे एजुकेशन पे करें एजुकेशन पे करो आप उसके बाद आप हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करो उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे करो ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे करो ठीक है साथ साथ इंफॉर्मेशन पे एक्सपेंडिचर करो ये सारा क्या पार्ट होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट करने का पार्ट होता है कंपोनेंट होता है मार्केट वैल्यू ऑफ द आउटपुट यानी जो एक्सेस डिमांड होता है वो क्या करता है मार्केट वैल्यू बढ़ा देता है किसका आउटपुट का जाहिर सी बात है अगर आपका सप्लाई कॉन्स्टेंट है सप्लाई क्या हो कांस्टेंट हो ठीक है सप्लाई तो आपने एक कॉन्सेंट कर डिमांड ज्यादा हो डिमांड क्या हो ज्यादा हो तो वो जो कांस्टेंट प्रोडक्ट है ना उसके प्राइस क्या हो जाती है बढ़ा देता है सप्लायर क्या करता है उसकी प्राइस बढ़ा देता है रीज़न अगर देखें तो आउटपुट लेवल रिमेनिंग कॉन्सेंट यानी जो आउटपुट लेवल था हमारा जो सप्लाई था वो क्या था कॉन्सेप्ट था कॉन्सटेंट था लेकिन जो डिमांड था वो ज़्यादा था हमारे सप्लाई से जिसके वजह से जो जनरल प्राइस लेवल है वो क्या हो जाता है हमारा बढ़ जाता है ठीक है इसी को हम क्या कहते हैं ए और यही हमारा अराइज करता है इन्फ्लेशन के सिचुएशन को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखें अगर तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है पहला क्या है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज कंसीडर एज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल यानी एजुकेशन में खर्चा करना एक सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन सोर्स होता है किसका ह्यूमन कैपिटल का तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है अगर दूसरा स्टेटमेंट देखें तो इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ ऑन द जॉब ट्रेनिंग माइग्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन आर द अदर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक मैंने छोड़ दिया था माइग्रेशन यहाँ पे आपको बताते टाइम यहाँ पे इसने वो भी बता दिया आपको क्वेश्चन में ही रिपीट कर दिया तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है यानी एजुकेशन के अलावा हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्थ माइग्रेशन इंफॉर्मेशन इन सारी चीजों पे भी खर्चा करके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट पहला क्या है हमारा तो प्लानिंग वॉज अंडरटेकिंग टू सस्टेन पोलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड जनरेट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी जो हमने प्लानिंग करा था यानी जो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करा प्लानिंग के हिसाब से जो हमने हमारे कंट्री को रन करने का डिसाइड uh, करा वो क्या करता है एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हो यानी जो पॉलिटिकल है वो क्या है इंडिपेंडेंस हो कोई उस पर uh, कोई रुकावट ना कोई बैरियर ना हो उस पर ठीक है जिसके वजह से जो हमारी इकोनमी हो उसमें क्या प्रोस्पेरिटी आए समृद्धि आए स्टेटमेंट टू क्या है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हैज नो मीनिंग विदाउट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और अगर पॉलिटिकल uh, अगर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी नहीं है ठीक है अगर आपके देश में इकोनॉमिक समृद्धि नहीं आपका देश समृद्ध नहीं है आपकी अर्थव्यवस्था तो कोई भी मतलब नहीं निकलता है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का यानी डेमोक्रेसी अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि जब अंग्रेज आए थे अंग्रेज गए हमारे यहाँ से तो हमारा जो इकोनॉमी था उसका कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो गया था स्टैगिनेशन देखने को मिलता है बैकवर्डनेस हमें देखने को मिलता है हमारे इकोनॉमी में उसके बाद हमने देखा कि जब हम आज़ाद हुए 200 साल बाद कब 1947 में तो हमने डिसाइड करा कि हम प्लानिंग के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे देश को चलाएंगे हमने एक गठन करा प्लानिंग कमीशन का कब 1950 1950 में और हमारा फर्स्ट फाइव ईयर प्लान आया था कब 1951 में हमने फर्स्ट फाइव ईयर प्लान को लगाया था अगर आपसे पूछा जाए अभी भी क्या फाइव ईयर प्लान है तो नहीं अब फाइव अब हाँ सॉरी अभी भी क्या प्लानिंग कमीशन है तो नहीं अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को ला दिया गया है यानी ने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ठीक है तो ये तो अलग टॉपिक हो गया हम भटक गए सोचें कि आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया जाए तो यानी हमने देखा कि हम एक डेमोक्रेटिक के हिसाब से हमारे कंट्री को चलाएंगे यानी डेमोक्रेसी रहेगी ठीक है जिसके वजह से अल्टीमेटली क्या कोई बर्डन ना रहे कोई पॉलिटिकल डिपेंडेंस ना रहे कि हाँ ये चीज़ लेके चलना है आपको इनके अकॉर्डिंग करना है ठीक है जो पॉलिटिकल लीडर रहेगा जो है वो इंडिपेंडेंट है हमारे इकोनमी को प्रोस्पेरिटी को और ले जाने के लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट टू क्या हमें कह रहा है कि अगर इकोनॉमिक तो प्रोस्पेरिटी नहीं है हमारे यहाँ पे अर्थव्यवस्था की समृद्धि नहीं है तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का कोई मतलब नहीं निकलता है है तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है? ट्रू है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है असर्शन क्या है तो द हाइयर द वैल्यू ऑफ एम यानी जितना ज्यादा वैल्यू होगा एम का उतना ही ज्यादा वैल्यू होगा किसका मल्टीप्लायर का तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है यानी ये असर्जन जो हमारा है वो सही है क्यों क्योंकि जाहिर सी बात है हम जो अगर देखें तो एम के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन होता है एक डायरेक्ट रिलेशन होता है मल्टीप्लायर का वि मल्टीप्लायर ठीक है यानी मल्टीप्लायर का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ वही एक इनडायरेक्ट रिलेशन होता है इनडायरेक्ट रिलेशन होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ यानी जितना कम एम होगा उतना ज्यादा मल्टीप्लायर होगा जितना ज्यादा एम होगा उतना कम मल्टीप्लायर होगा लेकिन एम की अगर बात करें तो जितना ज्यादा एम होगा उतना ही ज्यादा मल्टीप्लायर होगा जितना कम एम होगा उतना ही कम मल्टीप्लायर होगा हमारा ठीक है नेक्स्ट अगर रीजन देखें तो मल्टीप्लायर इज अ मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन चेंज इन फाइनल इनकम तो ये स्टेटमेंट हमारा ये रीजन हमारा सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे एम का करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया ठीक है ये रीजन सही है कि मल्टीप्लायर क्या होता है जो हम इफेक्ट देखते हैं किसका चेंज इन इनिशियल फाइनल इनकम और आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट का वो तो हम अगर देखें तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन हमें अः करना है मैज कॉलम करना भाई मैज कॉलम करने में बड़ा मजा आता था, था बचपन में ना सबको मैथ कॉलम तो ईजी ऐसे ऐसे खिंच दो सब हो गया चलो तो यहाँ में हम देख लेते हैं ये भी हमारे लिए इजी ही है पहला क्या है स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबल का डेवलपमेंट का स्ट्रैटेजी तो इसका जो करेक्ट होगा ना देखो वो ये होगा हमारे क्या है वो बायो कंपोस्टिंग यानी जो हमारे बायो केमिकल्स फ्यूल्स हैं वगैरह ये सारी चीज़ें जिनका एक साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है हमारे इन्वामेंट तो उसका क्या करें हम कंपोस्टिंग करना स्टार्ट करें जिससे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट अगर बात करें क्या है स्टेटमेंट नंबर टू इन्वायमेंट यानी आपका पर्यावरण तो पर्यावरण क्या होता है तो देखो तो यहाँ पे है हमारा टोटल प्लान जितने भी हमारे प्लांट वगैरह हो गए इनहेरिटेंस हो गए और दूसरे अदर रिसोर्सेज हो गए वो हमारे किसके पार्ट हैं एन्वायॉर्मेंट के पार्ट है नेक्स्ट अगर देखें क्या है एब्जॉर्बटिव कैपेसिटी तो देखो यहाँ पे एब्जॉर्बटिव कैपेसिटी यहाँ पे एब्जॉर्ब आ गए हमें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी यानी जो इन्वॉर्मेंट का एबिलिटी है किस चीज का जो डिग्रेडेशन या जो भी हम आ, आ, आ वेस्ट है वो सब जनरेट करते हैं उसको अब्जॉर्व करने का नेक्स्ट कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन लास्ट बचा और यही हमारा सही भी है क्या है वो अर्बनाइजेशन जितना ज्यादा हम शहरीकरण करेंगे उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन क्रिएट होगा हमारे देश में और ये स्टेटमेंट हमारा सही भी है क्यों क्योंकि जाहिर सी बात है भाई अर्बनाइजेशन करेंगे हम बिल्डिंग बनाएंगे तो पेड़ को कटाएंगे डिफॉरेस्टेशन करेंगे पेड़ नहीं रहेंगे तो जो सी टू हम रिलीज करें वो कौन कंज्यूम करेगा उसके साथ साथ अर्बनाइजेशन है नए नए फैक्ट्रीज हम इस्टेब्लिश करेंगे नया नया कार ये सब रहेगा जो बहुत ही हार्मफुल गैसेस एमिट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में जिससे क्या एयर पॉल्यूशन पॉल। हमारे यहाँ बढ़ेगा तो जो करेक्ट है वो क्या हो गया हमारा फर्स्ट का बी फर्स्ट का बी सेकेंड का डी थर्ड का ए एंड फोर्थ का सी तो अगर देखें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक है नेक्स्ट ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर क्या है असैशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है असैशन क्या है डाइवर्सिफिकेशन रिलेट टू अ शिफ्ट ऑफ वर्क फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एलिड एक्टिविटीज एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर यानी डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है तो आपने जब पढ़ा होगा ना रूरल डेवलपमेंट के बारे में तो उसमें हम उस चैप्टर में हमने डाइवर्सिफिकेशन को डिस्कस करा था तो बेसिकली अगर देखें तो डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है डाइवर्सिफाई करना है यानी चेंज करना एक तरीके से यानी जो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ खेती पर डिपेंड है उनको एक अलग डाइवर्सिफिकेशन एक अपॉर्चुनिटी एक नया ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करना नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया या अगर अदर कोई एलिड एक्टिविटी हो गया उसे जैसे फार्मिंग कर लो पोल्ट्री कर लो हॉर्टिकल्चर कर लो सब्जियां इन सब को उगा लो फिशिंग वगैरह हो गया ठीक है ये सारे हो गए हमारे डाइवर्सिफिकेशन के एक्टिविटीज थे रीज़न क्या था तो डाइवर्सिफिकेशन टूअर्ड न्यू एरिया इज नेसेसरी ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी था क्यों नॉट ओनली टू रिड्यूज द रिस्क फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर ना तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिस्क है उसको कम करने के लिए बट ऑल्सो टू प्रोवाइड अ प्रोडक्शन बट एटम एनट बट ऑल्सो टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑप्शन टू रूरल पीपल तो ये हमारा रीजन भी सही है जो करेट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर एक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है इन केस ऑफ डेफिशियंट डिमांड देर इज नीड टू लिबरलाइज क्रेडिट यानी जब डेफिशियंट डिमांड हो हमारे यहाँ पे यानी डेफिशियंट डिमांड का सप्लाई ज्यादा हो डिड कम हो तब उस समय में हम क्या करेंगे यानी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड ठीक है यानी उस समय में क्या करना चाहिए क्रेडिट को लिबरलाइज़ करना चाहिए ठीक थोड़ा फ्री करना चाहिए ताकि लोगों से को आसानी से क्रेडिट मिल पाए उनके पास पैसा बढ़े वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बढ़े तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें उनका परचेसिंग पावर बढ़ेगा तो स्पेंड करेंगे स्पेंड करेंगे तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा स्टेटमेंट टू देखे तो इन इन केस केस ऑफ ऑफ डिमांड डिमांड गवर्नमेंट गवर्नमेंट रिड्यूसेस बैंक बैंक रेट रेट क्या करता है bank rate को कम कर देता है और इसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ रखा है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या है फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन सेट्स ऑफ स्टेटमेंट इन कॉलम वन एंड टू चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेटमेंट हमें बताना है कौन सा करेक्ट पेयर है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी रेशियो होता है टोटल इनकम टू टोटल कंजप्शन एपीसी किसका रेशियो होता है टोटल इनकम टू टोटल कंजप्शन गलत है एपीसी हमारा रेशियो होता है टोटल कंजप्शन टू टोटल इनकम यानी टोटल कंजप्शन अपॉन इनकम हम देखते हैं किसमें एपीसी में एपीएस देखे तो रेशियो टू टोटल इनकम टू टोटल सेविंग ये भी गलत है टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम का रेशियो होता है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा रेशियो ऑफ मार्जिनल कंजप्शन यानी यानी मार्जिनल मार्जिनल चेंज चेंज इन इन टू इनकम इनकम वहीं अगर देखें एमपीएस तो मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू सेव क्या होगा रेशियो ऑफ मार्जिनल इनकम टू मार्जिनल सेविंग यानी क्या होगा मार्जिनल इनकम का मार्जिनल सेविंग से रेशियो तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर C. क्या एम पी एस यानी चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मनी कौन किसको हम नारो मनी कहते हैं किस मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई को तो वो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी एम वन और एम टू को हम नैरो मनी बोलते हैं और एम थ्री एम थ्री एंड एम फोर को हम ब्रॉड मनी बोलते हैं क्या बोलते हैं हम ब्रॉड मनी बोलते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू अगर देखें क्या है फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन सेट हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है तो अगर हम देखें तो कैपिटल हमारा फ्लो वेरिएबल है यानी क्या कैपिटल हमारा फ्लो वेरिएबल है तो ये हमारा गलत हुआ क्यों क्योंकि कैपिटल को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं और कैपिटल हमारा कैसा वेरिएबल होता है स्टॉक वेरिएबल होता है ठीक है सेविंग स्टॉक नहीं सेविंग हमारा फ्लो वेरिएबल होता है इसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं तो सेविंग हमारा कैसा होता है फ्लो वेरिएबल होता है ठीक है जीडीपी हमारा फ्लो वेरिएबल होता है तो ये सही है क्यों क्योंकि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम हम मेजर करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ठीक है तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है वेल्थ हमारा अगेन स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं होता आपका ठीक है तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया क्या हो गया वो हमारा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री क्या है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है पहला स्टेटमेंट क्या है स्मोक एमिटेड बाय अ केमिकल फैक्ट्री यानी केमिकल फैक्ट्री द्वारा स्मोक एमिट किया गया जो क्या एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है ये किस चीज़ का एग्जांपल है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल है तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है हमने कल ही पढ़ा था हमने कल ही पढ़ा था एक्सटर्नलिटी uh, क्या होता है यानी जब लास्ट लेक्चर हमने देखा था उसमें हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नलिटी क्या होता है तो एक्सटर्नलिटी मतलब Uh, जो भी एक्टिविटीज़ करता है कोई भी इफेक्ट या किसी द्वारा एक्टिविटीज़ जो भी किया जाए जिसका इफेक्ट एनवायरमेंट पे पड़े या हमारे अदर पीपल को थर्ड पार्टी को पड़े या वेलफेयर पे पड़े हमारे देश के जिसके बिहाफ में कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है उसके द्वारा उसको हम एक्सटर्नलिटी बोलते हैं एक्सटर्नलिटी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है जिस एक्सटर्नलिटी का एक निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा वो निगेटिव हो जाएगा जिसका पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा वो हमारा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होगा पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा क्या है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी रिड्यूस द वेलफेयर ऑफ द पीपल तो जाहिर सी बात है जो नेगेटिव एक्सटर्निटी होती है एक्सटर्नलिटी होता है वो क्या करता है जो वेलफेयर है उसको क्या करता है घटाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर क्या है हमें पैर हमें मैच करना है इन पूरे चीजों को चलिए तो पहला देख लेते हैं पहला क्या है इनकम फ्रॉम टूरिस्ट यानी अगर टूरिस्ट से आपको इनकम रिसीव हुआ तो वो कैसा होता है हमारा इनविजिबल आइटम होता है ठीक है नेक्स्ट अगर देखें तो क्या है अच्छा लास्ट से करते हैं ना फर्स्ट बॉटम ऐसे करते हैं फिर कह दिया सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इन सारे रिकॉर्ड को जब हम आ, सारे ट्रांजेक्शन का जब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं चलो नेक्स्ट क्या था हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यानी गुड्स को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो कैसा गुड्स हमारा क्या हुआ तो वो हमारा हो गया विजिबल गुड्स विजिबल आइटम्स हो गए इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड यानी आपको अब्रॉड से कोई इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ तो उसको आप किस साइड लिखोगे तो क्रेडिट साइड बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट साइड लिखोगे ठीक है तो हमारा जो करेट पेयर बना वो क्या बना पहले का बी दूसरे का डी तीसरे का ए और चौथे का सी ठीक है तो यानी जो करेक्ट हमारा हो गया वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए आज ज्यादा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा ट्रू हो रहा है ठीक है अब तो कई लगाया जाए हम लोग की ऑप्शन नंबर ए ही होगा शायद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है पहला स्टेटमेंट क्या है चाइना रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशन यानी चाइना ने रिसीव करा फाइनेंशियल सपोर्ट वेस्टर्न नेशन से ये स्टेटमेंट हमारा गलत है नेक्स्ट स्टेटमेंट देखे तो पाकिस्तान इंट्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इंपोर्ट सब्सटी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी पाकिस्तान ने एक वैरायटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसीज को अडॉप्ट करा था या इम्प्लीमेंट करा था किस लिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए तो स्टेटमेंट टू हमारा सही है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी लो पहले ही गलत हो गया मतलब हमारा ए वाला तो काम नहीं लग पाएगा तो यहाँ पे अगर देखो ना यहाँ पे चाइना नहीं यहाँ पे पाकिस्तान होता ना तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है क्योंकि पाकिस्तान को बहुत से फाइनेंशियल सपोर्ट मिले थे वेस्टर्न नेशन से नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स हमें क्या करना है इस डायग्राम के बेसिस पे हमें बताना है कि ये इमेज क्या करना चाह रहे हैं तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक गाड़ी है भाई जो कि हमारी डोमेस्टिक अर्थव्यवस्था है डोमेस्टिक इकोनोमी है ये जो धुआं इमेट कर रहा है अभी हम लोग पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे धुएं में पैसे लगा दिए ये लोग गजब है ये क्या है हमारा प्रॉफिट है जो कि एक फॉरेनर क्या कर रहा है अपने झोले में भर रहा है चलो अब हम देखते हैं क्या कहता है ये स्टेटमेंट या ये पिक्चर क्या कहता है तो पहला क्या है फॉरेनर हैव शेयर इन योर डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी इस फॉरेनर का कुछ शेयर है हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में ये कहता है कि जोग्राफिकल टेरिटरी एंड इकोनॉमिक टेरिटरी आर द सेम यहाँ पे देखो टेरिटरी का कुछ जिक्र नहीं है तो ये स्टेटमेंट तो गलत लगता है नेक्स्ट देखिए इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी अब्रॉड का जो इनकम है शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम तो देखो यहाँ पे अब्रॉड के इनकम के बारे में तो बात ही नहीं करा गया है यहाँ पे तो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी और प्रॉफिट के बारे में बात किया गया है तो जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो हमारा आता है ऑप्शन नंबर ए यानी इस फॉरिनर का शेयर है कहाँ पे हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी के प्रॉफिट में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है क्या है पहला लिबरलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज एंट्री एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर वर रिमूव्ड यानी लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था एक तरीके से लिबरलाइजेशन का तो मतलब क्या होता है फ्रीडम देना ठीक है तो यानी लिबरलाइजेशन में जो भी हमने रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा था एंट्रीज पे जो भी बैरियर्स लगा के रखे थे उसको हटाना तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है दूसरा अगर देखें तो क्या है द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज यानी जो नंबर ऑफ इंडस्ट्री इन द पब्लिक सेक्टर वर रिड्यूस फ्रॉम सेवेंटी टू टू यानी पहले जो अगर हम देखें आप आई यानी इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के शेड्यूल ए में अगर आप देखोगे तो पहला जो शेड्यूल ए में था हमारा क्या था क्या था टोटल सेवेंटीन इंडस्ट्रीज थे जो पूरे के पूरे किसके कंट्रोल के रहेंगे कं, गवर्नमेंट के कंट्रोल रहे में रहेंगे लेकिन जब 1991 में हमने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को अडॉप्ट करा तो हमने क्या करा उसको चेंज करके उसको घटा के कितना कर दिया तीन कर दिया दो गलत होगा तीन हमने करा यानी कौन कौन से एक तो डिफेंस रेलवे और एक हमारा है अटोमिक कौन रहेगा हमारा अटोमिक एनर्जी ये तीनों किसके अंडर आएंगे गवर्नमेंट के कंट्रोल में बाकी सा, सारी जगह पे प्राइवेट सेक्टर आ सकता है कोई भी बैरियर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था सरकार ने सब रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया था तो यानी हमारा स्टेटमेंट वन सही है स्टेटमेंट टू हमारा गलत है तो जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है पहला क्या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू गिव एन चेंज इन इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई रेशियो होता है चेंज इन इनकम और इन्वेस्टमेंट का ये भी हमारा सही है नेक्स्ट अगर देखें तो देर इज़ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एम पी एस यानि एक इन्वर्स रिलेशन हमें देखने को मिलता है मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट एम पी एस के बीच में ये भी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं अगर आपको देखा जाए तो कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट अगर देखो एक और फॉर्मूला होता है तो क्या होता है वो वन अपॉन एम पी एस यानी एक इनवर्स रिलेशन हमें देखने को मिला और एक पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ मार्जिन प्रोपेंसिटी टू तो कंज्यूम के साथ ठीक है ये तीन फॉर्मूलाज भी होते हैं तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन हमें बताना है कौन सा पेयर हमारा सही है तो पोर्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन इकोनॉमिक इलेक्ट्रिसिटी सोशल एयरवे इकोनॉमिक तो जो करेक्ट है वो हमारा फो फोर होगा देखो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जरा सा डिफरेंस है सोशल अगर देखें तो जो एक डेवलपमेंट में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इन सारे चीज़ों में सोसाइटी के डेवलपमेंट में आए ऐसे फैक्टर्स ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को सोशल कहेंगे ठीक है जैसे आपका एजुकेशन हेल्थ ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए इकोनॉमिक जो मी सोसाइ जो इकोनॉमी है अर्थव्यवस्था है उसके प्रोडक्शन में काम आए ठीक है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करे यहाँ मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में प्रोडक्शन में हेल्प करे इन सारी चीज़ों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करता है उसको हम इकोनॉमिक कहते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया पोर्ट्स हो गया आपके एयरवेज हो गया ये सब क्या थे आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर फोर्टी हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू जीडीपी एस्टिमेटेड एट करेंट प्राइस यानी नॉमिनल जीडीपी क्या होता है कि जीडीपी का एस्टिमेशन करते हैं हम किस पे करेंट प्राइस पे तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है वहीं अगर रियल जीडीपी की बात करो तो रियल जीडीपी को हम किस पे कांस्टेंट प्राइस पे कांस्टेंट प्राइस पे या एक बेस ईयर पे लेके चलते हैं वो हमारा रियल जीडीपी होता है नॉमिनल जी इज बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये स्टेटमेंट हमारा गलत है जो बेटर इंडेक्स होता है वो बेटर इंडेक्स कौन सा होता है हमारा रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट ठीक है तो जो करेक्ट स्टेटमेंट हुआ वो हमारा स्टेटमेंट वन हुआ और स्टेटमेंट टू हमारा गलत हो गया तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो यहाँ पे आपके फोर्टी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं नेक्स्ट आपको पता है आपको क्या करना है यू शुड टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस पैसेजेस देखो यहाँ पे पैसेजेस के अलावा आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं और आपका ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है अगर आप प्रैक्टिस करे रहो क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अगर मे आप असर्जन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में फंस रहे हो तो आप उसको छोड़ के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि एक श्योरिटी गारंटी बेस्ड क्वेश्चन में रहता है लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है दैट्स वाई मैं आपको ये देती हूं कि आप स्क्रीनशॉट लो और इसको ट्राई करो सॉल्व करने का ठीक है नेक्स्ट आप स्क्रीन शॉट ले लो इसका देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो आप जरूर ही करना इसको ये आपका फोर्टी वन क्वेश्चन हो गया फोर्टी टू हो गया ये आपका फोर्टी थ्री हो गया ये आपका फोर्टी फोर फोर्टी फाइव ये नेक्स्ट पैसेज है ठीक है फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट एंड फोर्टी नाइन फिफ्टी ठीक है तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आई सजेस्ट कि आप ट्राई करो ज्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ठीक है अगर आपको प्रैक्टिस रहेगा ना तो आपके टाइम भी बचेंगे एग्जाम में और जो कि बहुत ही ज्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेज करना क्योंकि उस टाइम पर आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल जो प्रेशर लेवल रहेगा वो डिफरेंट रहेगा तो अभी आप लोगों के एडमिट कार्ड्स आ गए हैं आपका एग्जामिनेशन डेट आ गया है तो बस कमर कस लो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और एकदम झंडा गाड़ के आ जाओ आप लोग कर लोगे आई एम श्योर आप लोगों के अंदर कैपेबिलिटी है एंड यू विल डू इट डेफिनेटली चलो तो ऑल द वेरी बेस्ट अभी हम सॉल्व करेंगे बाकी प्रैक्टिस ऑल द द वेरी बेस्ट इन सेंस मतलब प्रैक्टिस करते रहो आप और डरना बिल्कुल नहीं आराम से इस पेपर सॉल्व करके हमको आने हैं वो भी सारे क्वेश्चन फिफ्टी में से फोर्टी तो करके ही आने हैं पूरे के पूरे ठीक है चलो तो सॉल्व करना है इसको इस लेक्चर के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कुछ आ, सीखने को मिला है नया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेगा सो थैंक यू सो मच